टेबल पे ऐसा है क्या जो तुम लोगों को ये दिखाओगे कि हम ये खा रहे हैं? आज हम पूरे एक महीने बाद खारी खा रहे हैं और खारी हमारा जीवन का बहुत बड़ा अहमियत था। वह एक साल दो महीने हमने रोज सुबह चाय के साथ खारी। ये क्यों नहीं खा रहे दोनों खारी? तुम खाया ना उसने क्या? खारी कितने की थी? अंकल ने 25 की दी है पर बताया कि 30 की होगी। 30 की हो गई है, हमें 25 की दी है। अगली बार 30 की मिलेगी। 30 की मिलेगी पर कह रहे हमें लाता ही नहीं है कि हम ही ज्यादा खाते थे। और ये 25 रुपए की खारी खत्म खत्म उसने नहीं खाया। और तूने कितनी खाई? ज्यादा खाई है। मेरे हाथ में ये तीसरी है ना। अरे तीसरी है भाई, अपने खानों दूसरों से क्यों गिनते हो? क्योंकि पैकेट में एक ही बची है। और आज इन्होंने नहीं खाई, वो उसको बुरे जा रहा है, वो लेके देवदास बना बैठा। वो सो रही ना, उसको मैं बताना। अच्छा उसको तो पता ही नहीं हम खाली लाए थे। यूट्यूब के पैसों की है। हाँ ये बात तो सच है। कितने का सामान ले थी? 600 रुपए का अंकल सकता। पर वहां जाके अच्छा लगा, पुराने घर जाके जेरी कैसे पागल हो गया। ट्रिपी को देखकर तो सच्ची में पहल तो रोने को मिली थी। हाँ ट्रिपी पहल तो रोने को हो रही थी, कह रही उसे बस ले चलो, कह रही बस इसी को तो लेके जाना है। वो मुझे भी रात को कहते थे, कहते ट्रिपी को भी ले आते ना। हाँ। मैंने कहा एक मुर्गा है वहाँ, बिल्लियाँ हैं, दो कुत्ते है। मैंने कहा ट्रिपी वहाँ एडजस्ट कर चुकी है, उसको रहने दो। पर ट्रिपी यहाँ पे जो हमारे साथ ना, मतलब ऐसी होगी जैसे उसको लगा कि अब तुम रहने आए हैं, फिर वो नॉर्मल होकर बैठ गई कि अब तो यही रहेंगे। और वो जिद कर दी कि ऊपर चलो वापस अपने पुराने वाले घर में। उसको कुछ खिलाया? जैकी नहीं मिला। जैकी नहीं मिला? मोती मोदी की तो ऐसा चल रही है, वॉर्नर्स आ रहे हैं। हाँ वही शेक पे लगा हुआ था, नहीं वहाँ नहीं था, उस पे था बादम डेक। बादम डेक पे वहाँ पे तो खाना वाना चलता ही रहता है। गैंग गैंग नहीं था। मैं उस दिन उडो बीच गया था, वहाँ से वो देख रहा था, मैंने कहा यार यहाँ पे तो हम सामने रोज टोनी जरिए घुमाने लगते थे। हाँ मैंने सोचा था गाड़ी रोक के ना गरी को वहाँ बैठाऊंगी, पर वहाँ सीढ़ी लग गई है वो। पर उसका बड़ा अफसोस है मुझे, वो जो पंकज वाली प्रॉपर्टी निकली थी। मैं कहता रह गया लोगों से थोड़े से पैसे का इंतजाम कर दो। वो वहाँ पे बहुत प्यारी लोकेशन थी। अभी हम दोनों वो मुझे रेंट पे भी दे देता, वो इंटरेस्टेड भी था। और मैंने उससे बात ही नहीं, मतलब उसने मुझे कई बार बोला भी कि फॉरनर देखने आ रहा है। वैसे ही बनाया बिल्कुल, मैं वही देख के हैरान होगी। बिल्कुल वही कौन से आते देखना, बाहर टायर लगे हुए हैं, टायर की सीट्स हैं, वही तो टायर की सीट्स। मैंने बोली थी कि हम टायर की सीट्स बनाएंगे, नारियल के पत्तों की छत बनाई है, वो जैसे झोपड़ी बनती है, अंदर सिटिंग एरिया टेबल वेबल लगा रखा है। और वही ब्लैक कलर का जो तुम हिप्पी मोहल्ले की बात करते थे ना, मतलब करोलबाग वैसा ही वो लुक दिया उसको, लाइटें जल रही है। चक्कर क्या है सोचो आप, कि आपने कोई जगह डिसाइड करी होगी, ये जगह मेरे को मैं लूंगा लीज पे या रेंट पे, और मैं यहाँ पे ये करूंगा, और वो जगह आप नहीं ले पाते। पर उससे भी ज्यादा समस्या तब होती है जब उसी जगह पे कोई आदमी सेम थीम पे सेम कॉन्सेप्ट शुरू करता। पर देखो ना तुमने वो भैया थे उधर एलिजा भैया जिनका वहाँ पे खाने शॉप है, उनको तुमने रेस्टोरेंट लाइब्रेरी का तुमने हिंट दिया कि मैं यहाँ पे छत पे लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ, तो उन्होंने अपने वहाँ पे एक बुक शेल्फ बना ली। देखो अच्छे आइडिया को हर कोई आदमी चाहता है कि वो उसको अपनाए, और उसमें कोई बुराई नहीं होती। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने तुमसे जिक्र किया तो तुमने ये क्यों कर लिया, ऐसे नहीं होता। वो बन गया वहाँ पे, वो तो था वो, चलो ठीक। इससे आपको ये मालूम पड़ता है कि आपके आइडिया में दम था, कि दूसरे ने उसको फॉलो किया और उसको अच्छा लगा। क्योंकि अभी मैं पिछले 3 साल से जिन आइडियाज पे काम करता हूँ, मैं उन्हीं आइडियाज पे काम करता हूँ जिसमें 80% पैसिव इनकम हो, क्योंकि अपने बस की नहीं है। मैं मतलब लोगों को भी ये बोलता हूँ कि अपनी लाइफ को ऐसे डिजाइन करो कि आपको देखो 20% तो एक्टिव रहना ही पड़ेगा। कोई आदमी अगर 1 करोड़ रुपये की FD भी कर देगा ना, तो भी उसको FD का पैसा लेने के लिए ATM से ATM जाना पड़ेगा,
एफडी का ब्याज पता करना पड़ेगा या फोन उठा करके चेक करना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत एक्टिव रहना ही पड़ेगा। वो तो बिल्कुल ही फिर आदमी बेसुध हो गया, मर गया, मतलब समझो फिर तो लाश हो गया अगर भी कुछ। पर आपको मैक्सिमम अपनी लाइफ को ऐसे डिजाइन करना है। अभी मैं तुम लोगों की लाइफ को जो डिजाइन कर रहा हूँ अभी तक, आने वाले टाइम में तुम, मैंने क्या करना है, जैसे कि आटा गूंद के दे दिया, शेप तुमने दे दी है, तुम वाला है, तुम्हारे को तुम्हारी ही सहेलियाँ, तुम्हारे साथ पड़े हुए लोग 9 to 5 में जितना पैसा कमाएंगे उतना पैसा तुम घूमते हुए आराम से घर में बैठे हुए किताब पढ़ते हुए ब्लॉग लिखती है ब्लॉग लिखते हुए तुम उससे कई गुना ज़्यादा पैसा कमाओगे। अब बात पैसे की नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो कि तुम उसका 50% भी कमा रहे हो तो भी तुम उनसे आगे, क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज मिल रही है और तुम्हारे पास अपने लिए वक्त है। मुझे पता है लोगों की प्रॉब्लम क्या है, लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, मटेरियलिस्टिक कभी ख़त्म किया नहीं जा सकता और ख़त्म होना भी नहीं चाहिए, पर वो इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं कि उनके पास उनके लिए ही समय नहीं है। वो अपने आप से बात नहीं करते, अच्छा कंटेंट नहीं पढ़ते, वो कहते ठीक है हमने पढ़ लिया, स्कूल कॉलेज चले गए, अब उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं। यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय क्यों बोलते हैं, वो विश्वविद्यालय मतलब कि आप ग्लोबल लेवल की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, यानी कि सिर्फ मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा धर्म नहीं, आप बाकी धर्मों के बारे में भी जानो, आप बाकी लोगों के बारे में जानो, हर आदमी एक चलती फिरती किताब है। तो वो जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट क्या था, अभी हो सकता है लोग ये वीडियो देखे तो इनको भी मालूम पड़े इस बात के दौरान कि भी अपना कॉन्सेप्ट क्या था, और आज भी है वो जगह भले ही हाथ से निकल गई कोई बात नहीं, कि वो जो 1% से 10% सोसाइटी में इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो 1% से 10% के बीच में ही होंगे, किसी किसी जगह पे 1% होंगे, किसी किसी जगह पे 10, 10 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर होते हैं तो शायद हम उनको इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल नहीं कह रहे होते। उन लोगों को कैसे एक जगह पे इकट्ठा किया जाए, कोई एक ऐसा पॉइंट बनाया जाए जहां पे सेम अकलमंद लोग, वैचारिक लोग जिनकी आइडियोलॉजी है, जो जिंदा है दिमाग के तौर पे, जो तर्क और अनुभव पे फैसला करते हैं, जो रैशनल है, जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, उनको कैसे आप एक जगह पे इकट्ठा करोगे। मंदिर क्या होता है, सब लोग मंदिर जाते हैं, वो मंदिर तो घर में भी है, वो मंदिर इसलिए जाते हैं कि एक तो मंदिर को बनाने का मेन ये कि वहाँ पे सारे लोग एक जैसी सोच के आएंगे, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, और एक तो धार्मिक सोच के आएंगे, दूसरा एक रिलीजन में भी जो डिवाइड हो गया, जैसे हिंदुओं के लिए मंदिर है, मुसलमानों के लिए मस्जिद है, सिखों के लिए गुरुद्वारा है, तो वो लोग वहाँ पे जाएंगे, इकट्ठा होंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अब मंदिर में कौन सी बातें होंगी, धार्मिक है ना, मंदिर में जाकर कोई किसी पिक्चर की बात थोड़ी करेगा, राजनीति की बात थोड़ी करेगा, जबकि कर लेते हैं लोग, पर वो वही है कि वो फिर वही 90% लोग हैं। तू कभी शमशानगढ़ नहीं गया ना, जाने वाले थे यूट्यूब, तुझे एक बार शमशानगढ़ लेके जाऊंगा, यहाँ वाले शमशानगढ़ में मजा नहीं आएगा, मजा आएगा दिल्ली के शमशानगढ़ में, निगम बोध शमशानगढ़ मजा आएगा। अरे जो सीखने की सबसे बढ़िया जगह है ना, शमशान घाट से बढ़िया जगह नहीं हो सकती। कुछ नहीं करना, अपना जाओ, खाओ पी, खाना पीना पैक करा लो या खा पी के जाओ मजे से चुपचाप। आप जा रहे हो एज ए स्टूडेंट, वहां पे जाके एक जगह पे बेंच पे बैठ जाओ और देखो एक चिता आएगी, तुम चिताओं से पता लगाओगे कि ये अमीर की चिता या गरीब की चिता। मैं बड़ा ऑब्जर्व करता था, एक आदमी आया है, एक आदमी की लाश आई है, मतलब चिता आई है, अर्थी आई है, मालूम पड़ता था यार कोई बड़ा आदमी बना है। अब मेरे साथ वाला मुझे कह रहा है, जैसे हम गए किसी की डेथ पे, तो मेरे साथ वाला मुझे कह रहा है कि यार किसी बड़े आदमी की मौत हुई। मैंने कहा इसने कैसे जज किया कि ये बड़ा आदमी मरा, जानता नहीं है, कैसे जज किया, क्योंकि उसमें जो लोग आए हैं उनके जो कपड़े हैं ज़्यादातर सबके व्हाइट हैं, है ना, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास क्या है कि जो पहना है उठ के चल दिए, है ना, और जिसको जस्टिफाई करते हैं कि भाई मतलब कि हम तो भाई शोक में जा रहे हैं तो क्या फैशन करने जा रहे हैं। अब चलन क्या होता है शमशान के हिंदुओं के लिए, तो उसमें चलन ये होता है कि व्हाइट कपड़ों को पहन के जाया जाता है, शोक शोक के कपड़े माने जाते हैं। तो
अमीर लोग होते हैं ना, वो तो उनका क्या है, वो सीधा अपने नौकर को बोलेंगे जा जरा एक बढ़िया सा कुर्ता पजामा लेके आया या जो भी लेके आया, वो उनको कोई दिखेगा, काले चश्मे पहने होंगे, उनकी गाड़ियां, मतलब अब गाड़ियां पार्क होंगी, वो जो मेरे साथ आए हुए लोग हैं, वो किसी बड़े आदमी की मौत हुई है, वो जिसको फूकने आया है, जिसके जिसके शोक में आया, उसका ध्यान वहां से हट गया, क्योंकि वो ध्यान से तोड़ गया, उसको क्या बोलते हैं, मैं एक बहुत बहुत बढ़िया वर्ड है, शोक शोक चिंतन या शोक विचार, ऐसा कुछ बहुत बढ़िया वर्ड है, मेरे दिमाग से उतर रहा है, हिंदी का वर्ड है, वो बोला जाता है जो शमशान घाट में जो बातचीत होती है, तो वो क्या करता है, वो अपने जो सीता को जलाने आया थी साथ में के लिए, उसको तो भूल जाता है, वो तो 5-10 मिनट की बात है, उसके बाद में वो उधर इधर देखता है कि, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, कैसे सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपको ये देखेगा एक अमीर की सीता आई, तो उसमें लोगों ने काले चश्मे पहने हुए, सफेद कपड़े पहने हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, और चाहे वो जो पुजारी है जो सीता को आग लगा रहा है, वो उनको भी बड़े हम्बल होकर के डील कर रहा है, ये अमीर है तो पता कि पैसों की दिक्कत नहीं होगी, जो वो लकड़ियाँ वकड़ियाँ इकट्ठी करके जलाते हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी भागेंगे उनके आगे नीचे, और वहीं पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की होगी चिता, तो वो बार बार बुला रहे हैं, भाई वो लकड़ियाँ आ रही है अभी, आ रही है अभी, और पुजारी मालूम पड़ा वो पुजारी है, सब चार की चिता फूक रहा होगा, फिर आप बुला रहे हो जी इधर चिता लगे, हाँ वो आ रहा हूँ आ रहा हूँ, फिर वो ऐसे एटीट्यूड के साथ में ना ऐसे उछाल उछाल के उस पर घी डालेगा, वो डालेगा, मतलब एक उसके अंदर एक एटीट्यूड होगा, क्या तुमने क्या देना मुझे, अमीर की चिता पे तो मतलब वो आगे पीछे घूमेंगे, उनको मालूम है कि अच्छा पैसा मिले, इवन जो लोग आते हैं ना वो लोग भी जाते टाइम कुछ ना कुछ मतलब ऐसे देख के जाते, जो लोग आते हैं यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं किसी का, दूसरा वहाँ पे अब कई चिताएं ऐसी होंगी लवारिस बॉडी, मतलब बॉडी आके रखी हुई है, कोई है ही नहीं, कोई रोड एक्सीडेंट में मर गया, कोई लवारिस मर गया, उसके लिए फिर वो लोग क्या करते हैं, वो वहाँ पे उन्होंने बिजली घर का वो बना रखा है, इलेक्ट्रिक वो उसमें वो डालते हैं, वो जाता है और वो जल जला करके वापस आ जाता है, तो ऐसे ये मतलब मारते क्या, वो तो पहले ही मर रहा हुआ है, वो हीटर होता है, बहुत हैवी बोल्ट का हीटर होता है, उसके अंदर वो ऐसे वो ट्रे सी होती है, उसमें वो बॉडी को डालते हैं, अंदर भेजते हैं, 2 मिनट बाद बॉडी बाहर आती है, 2-10 मिनट जो भी टाइम होता है, और वो पूरी तरह बॉडी जो है वो एकदम राख बन के बाहर आती है, तो उसको वो ज़्यादातर जनरली लोग जो बॉडी पुलिस के थ्रू आती है ना, रोड एक्सीडेंट या लावारिस बॉडी, तो उनके लिए यूज़ होता है, तो पर लोग उसको ज़्यादा अब कुछ समझदार लोग उसको प्रेफर करने लगे कि भी पॉल्यूशन नहीं होता है, लकड़ियाँ नहीं काटनी पड़ती, ये सब चीज़ें होती है। एक बार वो दिनेश अंकल नहीं जो कृष्णा नगर में रहते हैं, उनके पापा की डेथ हुई थी, तब मैं गया था, तो वहाँ पे एक बॉडी जो थी वो मतलब आधी जली हुई थी, मतलब चिता आधी बुझ चुकी थी, आधी जली हुई थी, तो मैंने देखा उसको, मैंने कहा यार लगता है कि ऐसे छोड़ के चले गए होंगे लोग, तो पीछे बुझ गई होगी, तो मैंने उसका ऊपर ना वो कुछ पाउडर जैसा होता है, वो कई चीज़ों का बन के हवन सामग्री टाइप होता है, वो डालते हैं, उससे आग भी जलती है, घी वगैरह खरीद के कुछ मैंने उसको बोला कि यार इसको भी जला दो, ये आग ही जली हुई है, तो उसने कहा ठीक है आप सामान ले आए हो, पर हमारा रोज का काम है, हम रात को जाने से पहले ये सारी बॉडीज जो कम जली हैं आधी जली हैं उसमें, मैं कहा भाई लोग कैसे छोड़ के चले गए, कह रहे जी कई आते हैं मतलब जैसे चिता हमने जलाई वो तुरंत भाग जाते हैं, कई ऐसे होते हैं कि चिता जलने के बाद में भी 2-2 घंटे तक बैठे रहते हैं, तो अपना अपना उनका एक अपना अपना विजन है, तो वो सबसे बेस्ट है, आपको वहाँ पर बड़ा अच्छा दिखने मिलेगा, और सबसे बढ़िया बात मुझे मालूम क्या लगती है, जो मतलब सीखने के लिए या मज़ेदार बात, जब भी किसी की डेथ हुई और आप लोग गए, तो वहाँ जब गए ना तो मालूम सबसे कॉमन कुछ 4-5 लाइनें हैं जो वहाँ बोली जाती, देखो जी कुछ नहीं रखा है, पैसे वैसे में कुछ नहीं रखा है, आदमी देखो 2 मिनट में स्वाहा हो जाएगा, अभी क्या लेके आए थे, है ऐसी बातें वहाँ पे कर रहे होंगे, हाँ ये अंतिम द्वार तो यही है, यही आना है, काहे की भागो, देखो लगता था जैसे बुजुर्ग बुजुर्ग बात करते, पर वहाँ जाके ना जवान आदमी भी बुजुर्ग ही बन जाता है, मतलब हाँ जी हाँ, यहाँ से शुरुआत होगी बात की, बाद में तो वही होना है, पॉलिटिक्स की बातें होनी है, क्रिकेट की बात होनी है, सब होना है, पर शुरुआत यहाँ से होगी, हाँ जी हाँ, उस आदमी की बात शुरू होगी, वो आदमी चाहे कैसा भी हो, बड़ा अच्छा आदमी था, हाथ का तो बिल्कुल साफ था, मतलब चोरी चकारी नहीं करता था, नजर का बड़ा साफ था, अरे मुझे अभी मिला 1.5 महीने पहले, अरे मेरे को तो ऐसे इतना बढ़िया बंदा, या मान लो कोई अगर लंबी बीमारी से मरा,
आए भगवान ने चलो मुक्ति दे दी, बेचारा इतने लंबे से ऐसी बातें शुरू हुई। फिर उनको अंदेशा होने लग गया था, वो बताने लगे थे। हाँ, एक सबसे बड़ा कॉमन, हम मतलब जिसका भी कोई मरेगा ना, ये ड्रामा तुम मत करना जब मैं मरूं तो। मालूम क्या, जिसका भी कोई मरता है ना तो वो मालूम क्या, उनको मालूम पड़ गया था, मैंने उनकी आंखों में देख लिया था, उनको पता लग गया था, उनको आखिरी के टाइम पे तो उन्होंने पानी मांगा मुझसे, और पहले कभी भी ऐसे पानी नहीं पीते थे, पर जैसे ही मैंने पानी दिया, पानी पी के उनके चेहरे पे जो चमक आई और जो हुआ है कि लय बस प्राण निकले, तो ऐसी ऐसी बातें मैंने कहा यार, मतलब गाने के टाइम पे भी ऐसे ही कुछ होता है, सबके टाइम पे ऐसे ही होता है, सबको टाइम पे ऐसे ही होता है कि मतलब मैंने ऐसा नहीं कि मैंने तो बहुत सारी ऐसी मौके देखी है, पर अगर आपके अंदर ऑब्जर्वेशन पावर है तो आप कुछ सही नहीं, ये कॉमन पैट है ये, मतलब मैं बड़ा हैरान होता हूँ सबका एक साथ कैसे एक जैसा ही कैसे होता है। उनको पता लग गया था और आखिरी के दिनों में ना उन्होंने बोलना बंद कर दिया था, बिल्कुल बहुत कम बात करते थे, ऐसे ऊपर ही दिखते रहते थे, ऐसे ही दिखते रहते थे। फिर और अफवाहें हो रही थी, अरे उन्होंने आखिरी में बोला उनको खिचड़ी बड़ी पसंद थी, और उन्होंने बोला मेरे को ना खिचड़ी बना देना, मैंने जैसी खिचड़ी बना के खिलाई उन्होंने खिचड़ी खाया और प्राण निकल गए, अबे जय डाल दिया था क्या उसने। अच्छा फिर देखो, अब जिसका जो सबसे करीबी मरा है, ये ज्यादातर बहू बेटे वगैरह ये सब करते, फिर क्या है कि जिसका कोई करीबी मरा है, जो जो दावा करता है कि मेरा तो दिल टूट गया, ऐसे लोगों के फोन आए मेरे पास, मैंने कहा यार वो आपके पापा के बारे में सुना, मतलब थोड़ा अजीब लगा कि मतलब पापा चले गए, अरे यार क्या बताऊं, मतलब दिल मतलब समझ लो मेरे तो प्राण प्राण है, आत्मा मेरी चली गई, पापा से इतना प्यार था, आखिरी के दिनों में तो वो ना मतलब इतना ज़्यादा मेरे से जुड़ गए, इतना ये हुआ वो हुआ, अब फिर मैंने फिर यहाँ से शुरू होते हुए ना, अब मैं सुन रहा हूँ, मैं बस देख रहा हूँ कि अब वो कब उस पॉइंट पर आने वाले, कौन से मेटेलिस्टिक पॉइंट में, फिर वो आएंगे आखिरी के दिनों में, पता है मैंने वो डॉक्टर को दिखाया, उसकी 5000 रुपये फीस थी, मैंने 5000 रुपये फीस दी उसकी, इतनी की दवाइयाँ आती थी रोज उसकी, भाई मैंने तो अपनी तरफ से इतना किया पर क्या लिख करें, मतलब पहले तो उन्होंने अपनी अटैचमेंट से शुरू करके बाद में उन्होंने टोटल अपने टोटल उनके मेडिकल एक्सपेंस के बिल, उनका हॉस्पिटल का खर्चा, उन्होंने कौन सी, उनको ना बादाम का हलवा बड़ा पसंद था, मैं तो खारी बाकी से बादाम लाला के खिलाता था, ऐसे सारे उन्होंने गिनवा देने, ये होगा तुम्हारे साथ भी होगा कभी ना कभी, वो तुम्हें चेंज करेगा ना, तो वो यहां से शुरू करेगा, फिर वो क्योंकि उसके DNA के अंदर तो भौतिकतावादी चीज़ है ना अटैचमेंट का भी, भाई जिसका करीबी अगर मरा है तो मतलब पहले के जमाने में क्या होता था, आज से 10-20 साल पहले अगर किसी के घर में कोई मौत हो जाती थी तो साल भर तक जश्न नहीं मनाया जाता था, जिसका करीबी व्यक्ति मरता था, मान लो किसी का बाप मर गया, पत्नी मर गई, माँ मर गई, बेटा मर गया, या वो भाई साहब साल भर तक तो उसके गले से आवाज़ नहीं निकलती थी, मतलब क्योंकि एक दुख होता था ना कि अफसोस। अब क्या होता है, अब तो पहले तो 13वीं होती थी, अब तो 13वीं भी नहीं होती, अब तो चौथा ही हो जाता है, क्योंकि बुजुर्ग की मौत है चौथे में निपटा दो सब, तो इसको लोगों ने नाम दिया कि ये जिंदा दिली है, ये मूव ऑन है, ये जिंदा दिली नहीं है, ये आपकी भौतिकतावादी जो आपको रोक नहीं पा रही है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल बात है कि देखो ये जो पैदा हुआ है मर गया, देखो तो वो सबसे अच्छा पारसियों का जो लास्ट राइड होती है आपके जिसका मुझे सबसे अच्छा लगता है, पारसी क्या करते हैं, पारसियों में जब किसी की मौत होती है तो वो उसके ऊपर एक लेप लगा करके उसको एक उनका जो शमशान घाट होता है उसमें बाहर के लोग जा नहीं सकते, वो नहीं चाहते कि कोई देखे उसको, तो वो एक पानी की टंकी टाइप का ऐसा कुछ फाउंडेशन सी बनी होती है, मैं गया नहीं कभी और ना मेरे को किसी ने बताया था, और कई लोगों से मैंने सुना कि ऐसा होता है, उस पर वो ऐसे रख देते हैं बॉडी को, और फिर जो वल्चर होते हैं जो गिद्ध होते हैं वो आके उस बॉडी को थोड़ा थोड़ा करके खा जाते हैं, उनको पता चल जाता है डेड बॉडी, हाँ उनको मालूम होता है ना, जैसे वो हमारे वहाँ पे वो पूरा घर नहीं था गाजीपुर में कूड़े का पहाड़, वहाँ पे गिद्ध बाज ये सब गिद्ध वगैरह घूमते रहते हैं, उनका ये मानना है कि गिद्ध जो है वो सोसाइटी की गंदगी को खाता है, गले सड़े मांस को खाता है जिससे कि बीमारियां नहीं फैलती है, अब चूहा मर गया, अब चूहा तो बीमारियां फैलाएगा, बदबू फैलाएगा, अगर उसको कौवा या गेंद या ये सब ना खाए तो वो तो बीमारियां फैलेंगी ना, और सड़ा हुआ चूहा कोई कुत्ता खाएगा फिर वो मरेगा, ऐसे नहीं, तुझे पता है दिल्ली में अपने वाले घर में कई कुत्ते मरे हुए मिलते थे, वो कैसे मरते थे, कहते चूहा खा लिया, मैं कहता चूहा खाने से कुत्ता कैसे मरेगा, वो चूहे को जहर देके मारा होगा, अब कुत्ता जहरीला है, चूहा जहरीला है तो कुत्ते ने खाया तो कुत्ता भी मर गया, तो इस तरीके की चीज़ें हैं, ये बड़ा एक
शमशान घाट में ऐसा चलता है, पर अच्छी जगह है, वहाँ पे जाओगे आपको शांति मिलेगी, आपको लोगों का बदलाव दिखेगा कि कैसे वो रोते हुए, जो जो करीबी है जो रो रहा है जिसके आंसू नहीं रुक रहे हैं, वो तो गलत बात है। अब आंसू क्यों नहीं रुक रहे हैं ये भी सवाल खड़ा करना चाहिए इसको, कि सच में इसका दिल टूटा है या आसपास पूरा समाज इकट्ठा है इसलिए ऐसा है। ये गाना चल रहा है इसमें कॉपीराइट तो नहीं आएगा? नहीं, वो तुम्हारी आवाज़ के अलावा दूसरी कम ही आएगा। ये वो लोग करते हैं जो जिनका अपने भावनाओं पे नियंत्रण नहीं होता। कसीनो में मैंने देखा ना, बहुत सारा कसीनो में क्या होता है कि एक आदमी जीता, वो इतना ऐसे खुश हो रहा है, मतलब उसका कंट्रोल नहीं अपनी भावनाओं पे, वो खुशी को रोक नहीं पा। और ऐसे ही एक आदमी जो हार गया, वो रो रहा है, टेबल पे मुक्के मार रहा है, टेबल मशीन पे ऐसे हाथ मार रहा है। इसको बोलते हैं भावनाओं पे कंट्रोल ना होना। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई आदमी जीता है और अगर वो शोर नहीं मचा रहा है तो वो खुश नहीं है। मेरे अंदर भी कई बार मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी कई बार अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता, कई बार पर, बट कंपेयर टू अदर्स मेरा बहुत नियंत्रण है, बहुत नियंत्रण है। तो जो एक आदमी की मान लो दो बच्चे या चार बच्चे हैं और वो मर गया, तो उसका एक बच्चा तो छाती पीट पीट से रो रहा है, एक रो नहीं रहा, एक हल्का फुल्का, मतलब एक रो भी नहीं रहा है और चुप भी नहीं है और वो काम सब निपटा रहा है।